अरे देखिए देखिए प्लीज प्लीज, अरे नाक पोछ रही है वो। ये इसकी नाक में घुसी आ रही है, नाक खाली है क्या तेरे को? ऐसे निकाल दो, सुन ऐसे कर, सुन ऐसे। देख भैया प्लीज, देखिए मास एनर्जी रिलेशनशिप आपके सिलेबस में नहीं है, आइंस्टीन के हिसाब से था और यहाँ पर है, ठीक है यहीं पे। हाँ अब एक टैटू यहाँ पे बनाऊंगा मैं कैसा चील का। चीज का ही करे नहीं नहीं वैसे डेविड बैकम देखा तूने? डेविड बैकम नहीं देखा? उसके देखिए वहां पे बहुत बढ़िया टैटू है उसके। देखिए अरे देखिए भैया ठीक है, आप बात कर रहे हैं टक्कर की, किसकी बात कर रहे हैं? टक्कर बोलो तो भाई, देख लीजिए रोना, थोड़ी देर रोना छोड़ दीजिए प्लीज, इधर देख लीजिए प्लीज। तू नहीं रोएगी तू तो। देखिए अरे देखिए तू तो रहने दे यार, तूने जो गुनाह किया ना साले, उसके लिए भाई तुझे 100 जन्म में मरना पड़ेगा। पूरा एक जन्म तेरे लिए उस गुनाह। ओए सुन बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों आप ही बताओ, हर्षित ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के मोड़ दिया आज, जा केवल फोन के लिए। बहुत आज गलत बात है। ओए सुन तो जान लीजिए, जान लीजिए प्लीज। कह रहे भैया मुद्दे पे आओ, कोलिजन की बात कर रहा हूँ, कोलिजन मतलब टक्कर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया, देख इधर देखिए प्लीज दीक्षा, इधर देख लीजिए प्लीज, कोई बात बाद में रोलेंगे दोनों सामने। देखिए भैया अब मुद्दे में आइए, देखिए बात कर रहे हैं भैया कोलिजन की। अपने पास दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे मेन बात है इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में केवल कौन कंजर्व रहता है? कंजर्व का मतलब इनिशियल फाइनल क्या होते हैं बराबर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नॉट कंजर्व होता है इनकंजर्व, ठीक है समझ गए भैया? काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, किसकी फॉर्म में निकल जाती है? हीट साउंड वगैरह बहुत सारे। देखिए भैया ध्यान दीजिए, ठीक है ये इम्पॉसिबल कोलिजन है, हमारी डेली लाइफ में ऐसा कोलिजन कभी होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर कभी आपको इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल भी देना है तो ध्यान रखना भैया कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है लगभग वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। बाकी हमारे आसपास कोई भी कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक नहीं हो सकता, मतलब टकराने के बाद आवाज तो निकलेगी, आवाज ही एनर्जी, कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। निकल रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, दूसरा जब चीजें टकराती है तो वहां पर क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट भी आता है, क्या आता है वो भी, क्या है? एनर्जी का लॉस ही है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो भैया जान लीजिए। यहां पर एक आता है कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या आता है? देखिए कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होता है, ई से रिप्रेजेंट किया था, और ये कोलिजन के टाइप को बताता है। अगर कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है तो कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक, क्या होता है? और ई से कम होती है तो इन इलास्टिक, क्या होता है? लेकिन कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, लेकिन एक मैक्सिमम 1 से ज्यादा, सॉरी मैक्सिमम 1 मिनिमम 0 से ज्यादा, मतलब समझ गए? 1 और 0 के बीच में ये लाई करती है, ठीक है, इसकी रेंज 1 और 0 के बीच में लाई करती है, ठीक है भैया। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1, इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू, ध्यान दीजिए भैया होता क्या ये? देखिए अरे इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, भाई प्लीज बोलिए मत, इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी और कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का कोलिजन का डिफरेंस। अभी कोलिजन किस, ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके बीच की है? तो वो दो गाड़ी जो टकरा रही है आपस में, ये वो दो गाड़ी है
ये क्या है, V2 माइनस V1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन दोनों गाड़ी के बीच में, कब, टकराने के बाद। और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन बिटवीन दोनों गाड़ी के बीच में, कब, टकराने से पहले। टकराने के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी, टकराने के बीच, समझ गया। अब मैंने ये निकला, खैर इसकी आवश्यकता तो नहीं होती, बस आप इतना ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द, ठीक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बताता है भैया, टाइप ऑफ कोलिजन, ई की वैल्यू 1 तो इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू लेस देन 1 नेगेटिव। अब बात करें भैया 1D कोलिजन, जो सबसे ज्यादा बार, ध्यान दीजिए बहुत आसान है ये, अगर मैं नहीं भी कराऊंगा और मैं नहीं भी समझाऊंगा फिर भी आप इस डेरिवेशन को देख के समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर दो ही रूल लगे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी दो गाड़ी चल रही है M1, इसकी वेलोसिटी क्या है V1, ये वेलोसिटी है M2, इसकी वेलोसिटी क्या है U2। आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन में क्या होता है, क्या होता है, टकराव में क्या होता है, तो क्या बोल रही है, सांड को क्यों भेज रही है। दो, देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रही है गाड़ियां, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रही है, लेकिन पीछे वाली जो ज्यादा स्पीड से चल रही है, इसकी जी स्पीड क्या ज्यादा, U1 ज्यादा, U2 क्या कम है, ठीक है भैया, और जाते जाते क्या, वो आगे वाले को टक्कर मार दी। अब देखिए भैया, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, टक्कर से क्या होता है, कोलिजन से क्या होता है, एक दूसरे फोर्स लगता है, तो आगे वाली, जब आगे वाली किस पे लगाएगी फोर्स, पीछे वाली पे। आप देख रहे हो कि जो पीछे वाली पे जो फोर्स लगा है वो उसकी मोशन के उल्टा लगा है, देखो ये टक्कर हो रही है, ठीक है, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, दोनों ही चल रही है इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए किसके ऊपर मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगा है, जो ये वाली थी उसके मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगा, जिसके मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और जिसकी मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी, आपका दोस्त ऐसे चल रहा है, आपने पीछे से लात मार दी तो उसकी स्पीड क्या होगी, क्यों, क्योंकि आपने मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है, ठीक है, और ये दूसरा कोई दोस्त होगा तो गिरते से पहले क्या होगा, उल्टा लात लगा देगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो बट मीन्स M1 का मास U1 था, M2 का मास U2 था, ये ज्यादा स्पीड थी, इसकी कम स्पीड थी, ये दोनों की टक्कर हुई, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, इसने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब क्या U2 ज्यादा हो गया, U1 क्या हो गया, कम हो गया, जो पहले स्लो चल रहा था वो अब तेज चलने लगा, तो पहले तेज चला था वो अब क्या हुआ, स्लो चलने लगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M1 U1 प्लस M2, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M1 M2, इनिशियल काइनेटिक क्या होगी, हाफ M1 U1 स्क्वायर, ठीक है, फाइनल क्या होगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर में इनिशियल क्या है ये, फाइनल क्या है ये, बोलो हाँ, 1 वालों को एक साइड में, 2 वालों को एक साइड में ले लो, इसको इधर इसको इधर, सुन लीजिए, M1 यहां से कॉमन ले लिया मैंने, M2 यहां से कॉमन ले, ये क्या होगी पहली इक्वेशन, क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या इनिशियल कर लो, देख ले, काइनेटिक बराबर में काइनेटिक इनिशियल बराबर में काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक क्या थी, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2, फाइनल क्या होगी, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ, फिर 1 वालों को एक साइड में, 2 वालों को साइड में लो, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो हाँ, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, फिर हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन बनी ये दूसरी इक्वेशन बनी और ये पहली बनी है, डिवाइड बाय दूसरी बाय पहली, ठीक है, जो हमने डिवाइड किया तो भैया ये आ गया, अच्छा ये देखो ये कहां से आया, तो भैया आपको पता है वो क्या था, देखो स्क्वायर ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमने इसकी यहां पे कर लिया, M1 ऐसी था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे कर लिया, एक ब्रैकेट में बी प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, ऐसी इसको M2 को ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यहाँ पे लगा दिया, नीचे आपको पता है भैया आपकी इक्वेशन इसके ऊपर वाली से डिवाइड किया था हमने, तो M1 से M1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अपने पास ये बचा, बोलो हाँ, एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, तो भैया इसको इसके नीचे ले आओ, अभी नहीं अभी नीचे मत ले आओ, देखो गधा, ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
यू वन तो देखिए यू टू को धिल लाओ, ये क्या हुआ यू टू हो गया, यू वन माइनस और इसको धिल लिया तो क्या हुआ वी टू माइनस वी वन, इधर क्या करो एक से गुणा इसको उसको नीचे ले आते हो, वन क्वेश्चन में क्या हुआ वी टू माइनस वी वन अपॉन में यू वन माइनस यू टू, ये क्या होता कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज द प्रूफ ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ये क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है तो शो दैट द वैल्यू ऑफ ई फॉर इलास्टिक कोलिजन इज वन, क्या होगा इलास्टिक कोलिजन के लिए की वैल्यू क्या होती है वन। अब देखिए जो मैं परसों बता रहा था एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि भैया दो आइडेंटिकल मास टकरा रहे हैं, एक मास क्या है रुका हुआ है दूसरा मास पीछे से आ रहा है, दोनों का मास क्या सेम है, टकराने के बाद जो चल रहा था वो तो रुक जाएगा और जो रुका हुआ था वो क्या हुआ उसी स्पीड से चलेगा, अब वही केस आएगा अपना ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन क्या थी यू वन और यू टू, आफ्टर द कोलिजन क्या है वी वन और, अब उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए वी वन और वी टू की कैलकुलेशन करें, वी वन वी टू क्या है क्या है रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ठीक है, अपने को ये पता है पीछे अभी ड्राइव किया अपने को ये निकाल दिया यहां से, अपने को ये भी पता है एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू, एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू है ना ये पता है पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो भैया यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वी वन की, किसकी निकालनी है तो भैया जब आपको वी वन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर ध्यान देना, जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप वी टू की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वी टू की वैल्यू क्या होगा वी टू इक्वल्स टू में यू वन प्लस यू वन माइनस प्लस वी वन क्या गया, और ये किसकी वैल्यू आ रखी है वी टू की, किसकी वैल्यू आ रखी है वो ये आ रखी है, इसकी वैल्यू क्या करो यहां पर कहां पर यहां पर यहां पर पुट कर दो, क्या करो पुट करना, जब आप पुट करोगे तो भैया देखिए हमने वी टू की वैल्यू निकाल दी, एम वन ऐसी लिख दिया ये ऐसी लिख दिया ये ऐसी लिख दिया ये ऐसी लिखा लेकिन वी टू की जगह ये पूरा लिख दिया, कैलकुलेशन किया ये आ गई भैया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ठीक है भैया, बिल्कुल सेम ऐसे ही वी टू की कैलकुलेशन होगी, किसकी कैलकुलेशन होगी तो V2 की, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो V2 की अगर आपको V2 की वैल्यू निकालनी है तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो V1 क्या होगा V1 निकल लिया और इस इन दोनों को निकल लिया तो क्या होगा V2 माइनस U1 प्लस U2 योगी V1 की वैल्यू, अब V1 की वैल्यू जब आई है यहां पे पुट कर दो क्यों ठीक है भैया, तो आप V2 की वैल्यू यहां से निकाल दोगे नीचे देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन अभी आ गया, अब देखिए भैया मेन चीज है आगे वैल्यू ठीक है, हमें करना क्या है स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या कर रहा है दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या सेम है, क्या है सेम है लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्या है भैया इसकी वेलोसिटी यू वन है इसकी क्या यू टू है, तो कोलिजन के बाद वो अपनी वेलोसिटी को क्या करते हैं एक्सचेंज कर लेते हैं, जो एम वन की जो पहले मास की जो पीछे से आ रहा है उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले की होती है दूसरे वाले की उसके बाद, देखो चेक करते हैं इसे दोनों मास क्या बराबर है फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m1 माइनस m2 था अगर आपको याद होगा m1 माइनस ठीक है वैल्यू डाल लेना यार, अब क्या बताऊँ आपको देखिए जो फाइनल की वेलोसिटी थी जो फाइनल की पहली बॉल की वेलोसिटी है वो इनिशियल की दूसरी बॉल की वेलोसिटी है और जो फाइनल की दूसरी वेलोसिटी है वो इनिशियल की पहले की वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है यहाँ पर, मतलब समझे चलो मैं देखिए मैं एक बॉल हूँ एक दूसरी बॉल है मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, हम दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे थे तो मैं उससे टकराऊंगा, टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या रहेगी 5 मेरी क्या रहेगी, समझ गया यही कहना चाह रहा हूं समझ गया यही यहां पे प्रूफ कर रखा है इंटरचेंज आती है, आता भी है लास्ट टॉपिक वर्टिकल सर्कल, क्या आता है बता दो भैया बहुत खासम खास टॉपिक है ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वर्टिकल सर्कल, ओ बंदे मिट्टू तो चुप रहा देखिए वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो कोई दिक्कत नहीं है हर जगह पे स्पीड क्या होती है सेम रहती है क्योंकि हर जगह पे ग्रेविटी उस पर क्या लगती है सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल सर्कल कुछ सीन से पार्ट होता है ये वर्टिकल सर्कल बोलो ना पूरा ये देखिए सेंटर ये है ये सेंटर है ठीक है, पहले ये कहां पे था ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसका मास क्या है क्या है ये घूमता हुआ यहां पे आ गया कितना एंगल बना दिया थीटा, वेट क्या होगा इसका एम जी क्या होगा तो यहां पर भी एंगल कितना होगा थीटा ही होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, बोलो ये क्या होगा एम जी
कॉस थीटा ये क्या होगा एम जी साइन थीटा साइन थीटा। और आपको पता रस्सी के ऊपर क्या लगेगा टेंशन क्या लगेगा? घूमने के लिए किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है? और सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स दी। यहां पर अपने पास दो फोर्स लग रहे हैं एक लाइन में, इस लाइन में दो फोर्स लग रहे हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये घूम रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? दिमाग लगाओ बताओ मेरे को जरा, तू बता। यार मैं कमजोर फील कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, जल्दी से ना। ये दो फोर्स लग रहे हैं, ये बॉडी लगातार घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए आवश्यक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा जो होती है कहीं घूम रही हो, सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा जो होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है। कौन सेंटर? द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहां कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स साइन थीटा। सेंटर की तरफ लग रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दीक्षा जी आप बताइए थोड़ा सा, साढ़े बक्कलदार दो साढ़े कद किसी और में घूम रहा हो बताइए। देखिए मैंने बोला घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल। कहां लगता है? सेंटर की तरफ। अब सेंटर की तरफ दो फोर्स है, एक फोर्स ये एक फोर्स ये, लेकिन ये सेंटर से दूर लग रहा है। आप बोलोगे कैसे? तो भैया देखिए मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करनी है उसी लाइन पे तो दोनों है, लेकिन मुझे बताओ इनका रिजल्ट कहां जाना चाहिए? सेंटर की तरफ, अन्यथा घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होना चाहिए? टी शुड बी ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा, तभी क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम जी स्क्वायर। टी माइनस एम जी, तो टी क्या होगा भैया? एम बी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एम जी थीटा। ये भी है टेंशन का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? टेंशन का। सुगर अब एक स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग करनी है भैया अपने को टॉप पॉइंट से। किससे करनी है? ये बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, और ये क्या है भैया? मिड पॉइंट है। क्या है ये? कह रहा भैया देखिए, अगर मैं किसी चीज को घुमाता हूं, मान लीजिए ये हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट का ठीक है, और ये सेंटर है, ये लाइन है, मैं इसको घुमा रहा हूं ठीक है, घुमा रहा हूं, घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कहां से गिरा था ये? टॉप से गिरा ना, यानी वर्टिकल सर्कल में सबसे ज्यादा गिरने की संभावना कहां से होती है? टॉप से। टॉप से नीचे गिरता है। और ये गिरा क्यों? क्योंकि मैंने देखा थी, देखो जब तक पत्ते के पास घूमना ही होगा, लेकिन गिरा क्यों? जब मेरे हाथ पे प्रभाव कम पड़ना चालू हुआ, खिंचाव कम, खिंचाव मतलब टेंशन कम हो रहा है, तब ये क्या हुआ? समझ गए ना? अबे सुअर जानू से रोका मैंने। तो भैया सबसे ज्यादा गिरने की संभावना कहां पे होती है? और भैया गिरता कह रहा है जब टेंशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खिंचाव जब खत्म हो जाएगा आपके हाथ में गिर जाएगा, घूमे कहीं हो, तो एट टॉप पॉइंट एट पॉइंट टी टेंशन ऑफ टॉप पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर इक्वल टू। घूमने के लिए अगर टॉप पॉइंट सबसे कम, देखिए सबसे कम टेंशन टॉप पे ही होता है, बाकी और पॉइंट पे देखोगे तो सबसे ज्यादा टेंशन होगा, टी के मुकाबले ज्यादा टेंशन होगा। कहां पे होगा? सबसे कम टेंशन यहां पर होगा, बाकी सब जगह पे क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है? बॉटम पे, क्योंकि चीज भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है। यहां पर क्या हो रही है? चीज ऊपर जा रही है, ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। तो इसलिए यहां पर फोर्स कम लगता है, खिंचाव कम लगता है, टेंशन कम लगता है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यहीं से गिर जाए। तो अगर घूमते रहना है तो टॉप पॉइंट पर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन, लेकिन आपको ग्रेटर कोई इनइक्वालिटी है। ग्रेटर क्या होता है? What do you mean by inequality?
बताओ, सिखाया नहीं क्या बिगाड़ है तुमको? वो होता है वाओ। तो इनइक्वालिटी में कभी भी आप सर्टन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं भैया, फिजिक्स में सर्टन कैलकुलेशन के लिए इक्वालिटी भी लगा देते हैं। ठीक है, टेंशन ज्यादा होगा तो घूमेगा घूमेगा, लेकिन कम से कम जीरो होना चाहिए, जीरो चिन्ह भर से ज्यादा। ठीक है भैया, तो टेंशन एट टी पॉइंट, ये तो आपको एज्यूम करके चलना है। तो फॉर सर्कुलर मोशन द टेंशन एट पॉइंट टी शुड बी ग्रेटर देन टी, अदरवाइज पार्टिकल गिर जाएंगे। नोटबुक कौन कह रहा है? अंग्रेज मत बन यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए भैया, सुन लीजिए, टेंशन हमें पता लग गया, इस पॉइंट पे टेंशन पता लग गया, बोला हाँ। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है, टेंशन पता लग गया, अब निकालना इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो भैया देखिए, तो टेंशन एट बॉटम पॉइंट शुड बी ग्रेटर, टॉप पॉइंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपने टेंशन का एक फॉर्मूला निकाल रखा है, मास वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस एम जी कॉस, यहां से यहां तक घूम के आया ना, एंगल कितना होगा 180, क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एम वी टॉप पॉइंट का स्क्वायर आर, और क्या होगा कॉस 180 क्या होता है माइनस एम जी, ये पहले साइड में क्या होता है प्लस एम जी, एम से एम क्या होगा कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी एट टी पॉइंट का स्क्वायर क्या होगा जी आर, ये हो गया। तो हमें पता है भैया, अगर पार्टिकल घूमते रहना है तो कम से कम यहाँ पे टेंशन क्या होनी चाहिए जीरो, और कम से कम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अंडर रूट जी आर के बराबर होनी चाहिए। अब बाकी सबका एकदम डेफिनेट कैलकुलेशन होगी, केवल टॉप पॉइंट ही सबसे हार्ड होता है। अब मैं बात करूंगा बॉटम पे, जब बॉटम पे आएगा तो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लगाएंगे, इस पॉइंट की कुल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर में इस पॉइंट की कुल एनर्जी बराबर में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपको पता है इस पॉइंट में पोटेंशियल नहीं रहेगी, रीजन क्या है, क्योंकि हाइट जीरो है। अब बात ध्यान मत देवे मेरे को, और टेंशन यहां पे टेंशन कैसे निकलेगा, सीधा क्या रखोगे कॉस जीरो, क्या रखोगे, अब वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ही लोगे यहां पे बाय कंजर्वेशन, तो यहां से आप कर लोगे आसान है। ठीक है, एक बार आप देखोगे हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब मुझे लगता है कि अभी आज के लिए इतना ही रहना देना चाहिए, बट बेस मिनट रह गया। ठीक है, अब सबसे मेन बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कल मॉर्निंग में ही 8 बजे चालू करूंगा मैं, सैंपल पेपर एक दो, दो सैंपल पेपर पूरे कराऊंगा पीवाई के। हाँ बेटा, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। और एक बार बता दे रहा हूं मैं, मेरा रिकॉर्ड है कि मैं लास्ट वाले दिन पढ़ाता हूँ, जो पेपर में वही आता है, पर्सनल रिकॉर्ड है, एक साइड हटो साइड हटियो, भाई उस बुले मेरी चप्पल भी छूएगा तो मेरी चप्पल पापी हो जाएगी। ओए तो भैया ध्यान रखना, कल मॉर्निंग में 8 से लेकर 11 नॉन स्टॉप, ठीक है ओए भाई, ऑफलाइन आने का प्रयास करना, और सुन लो शाम को वही बच्चे ऑफलाइन आएंगे जिनका पेपर परसों नहीं है। ठीक है, शाम को बच्चे लूंगा क्लास, वो भी आपको लेनी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में मेरे पे पता देवी आ जाती है और मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वही आता है। ठीक है, कम से कम कल की क्लास से 6 10 से 12 क्वेश्चन आई जाएंगे, वही तेरे को पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। रिक्शा रुकिएगा आप जरा, आप रुकिएगा।